ये भी इनके एजेंडे का पार्ट है बीजेपी के, इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करो और फैसले करवाओ। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है, हिमाचल के साथ में चुनाव हो रहे हैं, जानबूझ के जब तक मोदी जी का अमित शाह जी के दौरे पूरे नहीं हो जाए उद्घाटनों के और शिलान्यास के, तब तक वो काम होने वाला नहीं है। अब उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में आ रहे प्रधानमंत्री जी मोदी जी 1 तारीख को मानगढ़ में, उसके बाद में शायद हो सकता है कभी भी चुनाव डिक्लेयर जाएंगे। हालात बड़े गंभीर है जो हम देख रहे हैं, 27 साल तक इनको जनता ने अवसर दिया, पर जो आप खुद देख रहे हो कि उसका ताजा उदाहरण है कि सरकार को पूरा बदल दिया गया, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ देश के अंदर, कि रिशफल होते हैं मुख्यमंत्री बदले जाते हैं और पूरा मंत्रिमंडल बदल दो साथ में, इसका मतलब है कि 3.5-4 साल तक वो काम कर रहे थे, अगर वो सब निकम्मे नाकारा थे तो पहले बदल देते फिर तो जनता का भला होता, आपने इतने लेट क्यों बदला फिर उनको। तो ये बताता है कि यहाँ की गवर्नेंस किस तरह की काम कर रही है। हर वर्ग में असंतोष है, कर्मचारियों में अलग है, स्वास्थ्यकर्मियों में अलग है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। मजबूरी के अंदर वो लोग आज तक साथ देते आए हैं और मैं समझता हूँ समय आ गया कि बदलाव मांगता है गुजरात भी, जनता भी, और इसीलिए आक्रोश से मैंने सुना है जो गौरव यात्रा निकल रही है इनकी, वो यात्राएं फेल हो रही है और लोगों में आक्रोश है, उनके प्रति विरोध भी हो रहा है जगह जगह पर। तो ये तमाम बातें दर्शाती है कि लोग बदला, हिंसा का माहौल, तनाव का माहौल पूरे देश के अंदर, ये प्यार मोहब्बत भाईचारे से राजनीति करो, विचारधारा की बात करो पब्लिक के सामने, अपने प्रोग्राम बताओ आप क्या करना चाहते हो जनता के लिए, आपकी पॉलिसी क्या है, आपके सिद्धांत क्या है ये बताओ, उसके बजाय आप गवर्नेंस जो कर रहे हो जिस प्रकार से, मैं समझता हूँ वो उचित नहीं है। तो हालात बड़े गंभीर है और इसीलिए राहुल गांधी जी ने जो वचन कहे हैं, गारंटी दी है प्रदेश को, मैं आपको फिर रिपीट करना चाहूँगा, वो सब पॉइंट आपका है, मैं पॉइंट को रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर ये मैं कह सकता हूँ कि आपके पड़ोस में हम लोग आपके पड़ोसी हैं राजस्थान के, आप पाएंगे कि वहाँ हम लोगों ने किस प्रकार से फैसले किए हैं सभी क्षेत्रों के अंदर, सभी क्षेत्रों के अंदर। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो वहाँ हमने 70 साल में कॉलेज खोली 250, हमने अभी 3 साल में खोली 210, 90 कॉलेज लगभग गर्ल्स की है उसके अंदर, और यहाँ ये कर दिया हमने कि जहाँ 500 लड़कियाँ होगी गाँव के अंदर भी कस्बे के अंदर भी उसको कॉलेज बना दिया जाएगा वहाँ पर, ये फैसला भी हमने किया। स्कूटी हम दे रहे हैं, साइकिल हम दे रहे हैं बच्चों को, हम बच्चों को विदेश तक भेज रहे हैं, 200 बच्चों को प्रतिवर्ष पूरा फीस 50 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी होगी सरकार देगी, वहाँ के छात्र जाते हैं विदेश के अंदर, 100 से अधिक जा चुके हैं, तो वहाँ पर ये हमने फैसला किया है। स्कॉलरशिप अलग दे रहे हैं और साथ में छात्रों के लिए अनुप्रति योजना है जहाँ पे कोचिंग फ्री करवाते हैं 15,000 बच्चों को, 20,000 बच्चों को ले रहे हैं अब हम लोग, क्योंकि कोचिंग का पैसा भी लोगों के पास नहीं होता तो कंपटीशन में वो पीछे रह जाते हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। तो कई तरह की स्कीम हमने चला रखा है जिसके कारण से राजस्थान के छात्र और कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है पूरी तरह से। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ पर है, प्रचार कम है, मोदी जी खुद ही कहते हैं कि कांग्रेस चुपचाप काम कर रही है, पता नहीं मोदी जी का ये कहने का क्या आशय था, वो तो वो जानते हैं। पर कांग्रेस पूरी तरह शुरू से आखिर तक, राहुल जी आए थे दाऊद के अंदर बड़ी रैली हुई, 5 सितंबर को अहमदाबाद में आए तो बहुत बड़ी रैली हुई,
सारे ऑब्जर्वर लगा दिए गए जिलों के अंदर, ब्लॉक के अंदर, विधानसभाओं के अनुसार वो काम कर रहे हैं, तो तमाम जगह काम हो रहा है। हाँ इतना ही है, मीडिया एक तो दबाव में है मोदी जी के केंद्र के अंदर। आप देख रहे हो कि दिल्ली का मीडिया भी क्या है, लोकल वाले तो फिर भी बताने को हिम्मत करते होंगे, और केजरीवाल जी पैकेज देते हैं तो ये भी लोकतंत्र के लिए खतरे वाली बात है। आप पैकेज देके अगर प्रचार करवाओगे कि मेरे खिलाफ कोई भी खबर नहीं आनी चाहिए, नंबर वन पैकेज का पार्ट नंबर वन हो, और पैकेज का पार्ट नंबर टू है कि जो मैं बोलता हूँ उसका बार बार दिखाओ, तो आप बता दीजिए वो बार बार दिखा रहे हैं। गुजरात चुनाव के अलावा भी गुजरात चुनाव भी आए हैं, और गुजरात चुनाव में जो जिस प्रकार ने प्रचार किया है, जैसे कि 3 महीने में सब कुछ बदल गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग इंटरव्यू लेते हैं गांव-गांव जा करके, इन्होंने कई लोग हायर कर रखे हैं, इंटरव्यू लेने वाले वो लोग कई जगह, और इंटरव्यू दे रहा है वो भी निक आदमी है। जनता समझ रही धीरे धीरे बातों को कि ये जानबूझ के आर्टिफिशियली जो ऑरा बनाया है वो अब ध्वस्त हो रहा है। लोग समझ गए धीरे धीरे, इनके पास उम्मीदवार तक नहीं है गुजरात के अंदर खड़े करने के लिए। ये तो इंदिरा करेंगे जब टिकट नहीं, वो हम लोग कर रहे हैं। तो कई तरह की स्कीम उन्होंने चला रखा, जिसके कारण से राजस्थान के छात्र इक्वल फील्ड पे वो आगे बढ़ सके और वो कामयाब हो सके, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नौकरियां हम लोग करीब 3 लाख नौकरी हैं हिंदुस्तान में, रिगारे कहीं नहीं होगी। 1.25 लाख तो लग चुकी है, 1 लाख का प्रोसेस चल रहा है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं, और 1 लाख की मैंने घोषणा कर रखी है। और यहाँ पे आप देखिए सब टेम्परेरी लोग लगे हुए हैं, 5 मिनट तो कॉन्स्टेबल तो को मैंने सुना यहाँ पर पे नहीं दी जाती है, खाली फिक्स अमाउंट दी जाती है। तो यहाँ के हालात और वहाँ के हालात में बहुत ज़्यादा का फर्क है। हमने OPS लागू कर दी है जो मानवीय दृष्टिकोण उचित है। मैं चाहूँगा कि गुजरात सरकार अनाउंस करे चुनाव के पहले हम OPS लागू करेंगे। मोदी जी को मैंने अपील करी है आप केंद्र सरकार में OPS लागू करवाओ, क्योंकि नई पेंशन योजना जो है वो सिक्योरिटी ख़त्म कर दी कर्मचारियों की, क्योंकि उसमें जो है शेयर मार्केट के आधार पर पेंशन मिलेगी। शेयर मार्केट की स्थिति उस वक्त क्या रहती है किसी को नहीं मालूम, जब वो 35 साल बाद में रिटायर होंगे। अभी यूक्रेन का युद्ध हो गया तो शेयर मार्केट डाउन हो गया, उस वक्त क्या होगा किसी को नहीं मालूम। तो एक ओल्ड एज पेंशन में को तो उनको मतलब आप कैसे कन्विंस करके अपने साथ ले लें, ये इनकी चाल है। तो चालें लोग समझ रहे हैं, जिस प्रकार से नई नई बातें ला रहे हैं ये, और ध्यान बटा रहे हैं लोगों का, ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है। चुनाव लोकतंत्र जिंदा रखा है कांग्रेस ने आज़ादी के लगातार, चाहे वो एक रखा अखंड का देश को, इंदिरा जी ने अपनी जान दे दी पर खालिस्तान ने बनने दिया, ये कोई कम बात नहीं थी। मैं तो उनके हर मंत्री था, मुझे मालूम है कि डिप्टी मिनिस्टर था मैं, तो क्या हालात थे उस वक्त में देश के, आप मेरे कई लोग जानते होंगे, सुना होगा आप लोगों ने कि क्या हालात बन गए थे, उसका मुकाबला भी किया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए। तो एक तरफ तो ये पार्टी है जो लोकतंत्र में हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, पर हमेशा प्रोग्राम पॉलिसी और प्रिंसिपल के आधार पर राजनीति होती है लोकतंत्र के अंदर, अगर लोकतंत्र विचार आपका है तो, और वही होने चाहिए। पर BJP का जो रवैया है उसे हटके है, वो टोटली फासिस्ट सोच के लोग हैं, लोकतंत्र का मुखौटा पहना हुआ है चुनाव जीतने के लिए, और वो सरकार मारते हैं धर्म के नाम पर, सरकार मारते हैं। तो ये जो उनका तरीका है ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। आज संविधान की ध्वजा उड़ रही है, जो आपके उदाहरण आपके सामने हैं, जो अनंत पटेल उनका किस्सा आपके सामने है, जो मुलजिम थे उनको पकड़ने के बजाय उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, गौरव पंडित जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। काले झंडा दिखाओ गुजरात के अंदर आप जेल जाओ या पाशम बंद हो जाओ। ये गुजरात जैसे गांधी के प्रदेश के अंदर
शर्म आती है हम लोगों को जब गांधी में घर करते हैं। आवाज अवनवा वीडियोस माटे अब तक नी चैनल ने सब्सक्राइब लाइक अने शेयर करता ना भूलशो। आज रीते जोड़ाला रहो अब तक साथे।